वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिवस शेफ में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शेविंग सेशन की। नाउ आज जो मैं एक सोप लेके आया हूं, ये एक अमेरिकन आर्टिजन सोप है फ्रॉम द हाउस ऑफ एरियाना एंड इवंस। और काफी समय से मेरी दिली तमन्ना थी कि इस सोप के यूजर एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूं। तो जी हाँ, ये रहा वो सोप, सेंट बार्ट्स एरियाना एंड इवंस विद अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप। नाउ ये जो लैंडस्केप है, इंस्पायर्ड है सेंट बार्ट्स आइलैंड से। नाउ दिस आइलैंड इज अ फ्रेंच स्पीकिंग कैरेबियन आइलैंड, और कहीं ना कहीं उस ट्रॉपिकल क्लाइमेट से ये इंस्पायर्ड है। और एरियाना इवंस जो है एक लग्जरी आर्टिजन सोप मेकिंग कंपनी है। जो लोग ये लोग सोप बना रहे हैं उसी के साथ आफ्टर शेव स्प्लैश और परफ्यूम्स। नाउ इस कंपनी को फाउंड किया था पीटर चरकैलिस ने, जो खुद भी एक अमेरिकन है। और ही इज सो पैशनेट अबाउट ब्लेंडिंग परफ्यूम्स एंड ही ट्रेवल्स अ लॉट, ऐसा उन्होंने अपनी वेबसाइट में लिखा है। और ये जो सोप है, इट इज इंस्पायर्ड बाय क्रीट वर्जिन आइलैंड वाटर परफ्यूम से। तो दिस इज द सोप एंड दिस इज द टेक्सचर। और ये भी एक सॉफ्ट सोप है, ऑलमोस्ट मैं इसको क्रोप बोल सकता हूं। या यू कैन सी द डेंट्स, बहुत ही फ्रूटी स्मेल है इसकी। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट के फ्रूट्स का ब्लेंड आपके सामने दे दिया गया हो, और आप उसको जब स्मेल करोगे तो यू ऑलवेज गेट दैट वाव फीलिंग। सो यस, ब्यूटिफुल स्मेल, बहुत ही अच्छी स्मेल है, फ्रूटी स्मेल। नाउ सबसे पहले जो लोग वेगन्स हैं, ये सोप शायद उनके लिए नहीं है क्योंकि इट्स एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, तो इसमें टैलो है। यस, तो टैलो होने की वजह से इस सोप को शायद वेगन्स लोग पसंद नहीं करेंगे। बट एक बात है, इनके दो सोप हैं, एक इनके वेगन सोप्स भी आते हैं और इनके जो हैं टैलो बेस्ड सोप भी आते हैं, जो कि एक एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, तो उसको आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये काइजन 2E बेस सोप है। अब काइजन 2E, इसके बारे में थोड़ी देर में बाद में जब मैं शेविंग करूंगा तो थोड़ा और आपके बारे में बताऊंगा। मगर जिस तरह से कंपनी ने बताया है, इसमें जो है लाइम, कोकोनट और वाइट रम की जो स्मेल है, जो इसके प्रोमिनेंट नोट्स हैं, उनका ये ब्लेंड है। और काफी सॉफ्ट है ये सोप, तो आज मैं अपनी लाइफ में पहली बार इसका इस्तेमाल करूंगा। उसी के साथ पार्कर 111W, जो ये फॉ जो है पोर्सलिन हैंडल बेस जो रेजर है, आज मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। और इसमें आज मैं लोड करूंगा विल्किंसन सोड, मेरा फेवरेट गो टू ब्लेड। तो जल्दी से मैं इसमें ब्लेड लोड करता हूं। So you can see the blade cap and very slight overhang and beautiful, you know, classic handle. And for lather making, I am going to use Trigodon synthetic shaving brush. थोड़ा सा, थोड़ी सी पानी की बूंदें मैंने इसमें डाल दी हैं। आज मैं कोई भी प्री शेप क्रीम या प्री शेप ऑयल नहीं लगा रहा हूं। चलिए लेट्स क्रिएट द लादर।
I think this much is enough. तो कंपनी का ऐसा मानना है कि दिस सोप हैज द फ्रेग्रेंस ऑफ लाइम, कोकोनट एंड व्हाइट रम. तो सेंट प्रोफाइल्स बताने में मैं इतना निपुण माहिर नहीं हूं, मगर मेरे को किस तरह की स्मेल आ रही है वो मैं बता सकता हूँ. अभी मेरे को हल्की सी सिट्रसी, बहुत लाइट सिट्रसी लाइम जैसी स्मेल आ रही है और हल्की सी कोकोनट की भी. व्हाइट रम के बारे में मेरा आइडिया आई डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू कंपनी इट हैज नोट्स ऑफ व्हाइट रम आल्सो. तो नोट्स के बारे में मैं सामने लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ. इसके जो टॉप नोट्स हैं वो बर्गमॉट, लाइम, मैंडरिन, कोकोनट, इंडियन जैस्मिन, स्वीट हाइबिस्कस, इलांग इलांग. इलांग इलांग एक तरह का, मैंने जब रिसर्च किया तो ये एक ट्रॉपिकल स्टार शेप फ्लावर है, और हल्की सी जिंजर. तो इतनी सारी तो मेरे को नहीं पता लग रहा है. और जो इसके बेस नोट्स हैं उसमें शुगरकेन, मस्क, सैंडलवुड, अ हिंट ऑफ सैंडलवुड एंड ऑफ कोर्स व्हाइट रम. तो इन सब का ये जो है ब्लेंड है ये सोप. और पीटर चरकैलिस जो है ये ही इज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट परफ्यूम्स. आप कभी किसी शॉपिंग मॉल में बाथ एंड बॉडी वर्क्स के शोरूम में गए हो, स्टोर में गए हो, तो वहां घुसते ही जैसी आपको स्मेल आती है ना, सब बिल्कुल उसी का मेरे को बिल्कुल आभास हो रहा है. मुझे लग रहा है मैं किसी बाथ एंड बॉडी वर्क्स के जो प्रोडक्ट्स वाले जो स्टोर है वहां चला गया हूं. सो इनके वेगन सोप्स भी आते हैं, बट ये एक टैलो बेस्ड प्रोडक्ट है. अल्ट्रा स्लिक, सो नाउ यू कैन सी आई एम रेडी टू ग्लाइड द रेजर. लेट मी क्लियर द साइडवेज. फर्स्ट पास एज यूजुअल विद द ग्रेन. वेरी स्मूथ एंड अल्ट्रा स्लिक, स्लिकनेस बहुत ही शानदार है दोस्तों इस सोप की. और ऐसा मैं मान भी सकता हूं क्योंकि इसमें टैलो है. तो जिनको फ्रूटी स्मेल्स पसंद है, ट्रॉपिकल फ्रूटी वॉर्म, उनको ये सोप काफी पसंद आने वाला है. Thank you.
हाल ही में पार्कर ने इंटरनेशनल मार्केट में नए अपने रेजर्स लॉन्च किए हैं, जो मेरे को अभी अपने यहाँ अमेजोन और इस तरह के स्टोर्स में नहीं दिख रहे हैं। उन रेजर्स को नेट पे देखे हुए मुझे लग रहा है कि इस बार पार्कर ने मेरे रेजर्स के जो शेविंग हेड्स हैं उनको काफ़ी चेंज किया है। पहला पास कंप्लीट और 3 दिन पुरानी गाड़ी को बहुत ही आसानी से मूव किया। तो ये जो सोप है मैंने परचेज किया है अमित कलामी जी से, उन्होंने 7-8 तरह के ये शेविंग सोप एरियाना इवेंस के प्रोक्योर किए थे पीटर चरकारी जी से, और उनको अगर आपको इन सोप्स के बारे में थोड़ा बहुत पता लगाना है तो उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो एक बात तो नेचुरल है कि बिकॉज इट्स अ टेलो बेस्ड प्रोडक्ट वन कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड स्लिकनेस। इस बेस का नाम इन्होंने काइजन दिया है। काइजन जो है एक जैपनीज टर्म है, जैपनीज वर्ड है, इसका मतलब होता है कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। तो पीटर चरकराजिस जी की फिलॉसफी है कि अपने प्रोडक्ट्स को आप कंटिन्यूअस इम्प्रूव करते रहेंगे। तो पहले इनके काइजन बेस आए, उसके बाद काइजन 2 और ये जो है लेटेस्ट है बिल्कुल काइजन 2 ई बेस। तो आप में से कई लोगों को अभी उत्सुकता हो रही होगी ये बेसिस क्या होते हैं। हर बार मैं जब आर्टिसन सोप्स के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे अपने यूजर एक्सपीरियंस को तो उसमें बेस के बारे में बोलता हूँ। तो एक दिन एक वीडियो मैं बनाऊंगा डेफिनेटली जिसमें आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिस। और बेस एक बार तैयार हो जाए उसके बाद अलग अलग परफ्यूम्स अलग अलग फ्रेग्रेंसेस को ब्लेंड करके ये आर्टिजन मेकर्स इस तरह के सोप्स को मार्केट करते हैं। और क्योंकि ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये बहुत ही लिमिटेड इनका स्टॉक होता है, ज़्यादातर बहुत जल्दी ये इनकी जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें से उठ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया स्लिकनेस, गजब की स्लिकनेस। मैं रेजर ऐसा भी ग्लाइड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे को। सो फैंटास्टिक जॉब बाय सोप एज वेल एज द रेजर एंड ब्लेड। लेट मी वॉश माय फेस। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको कॉम्प्लीमेंट करने वाली आफ्टर शेव मेरे पास नहीं है। एनीवे नो इश्यूज,
बहुत ही शानदार, स्टिल आई कैन फील लॉट ऑफ स्लिकनेस। तो मॉइस्चराइजिंग कैपेबिलिटी सोप की बहुत ही बढ़िया होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज नीश आफ्टर शेव। सो ओरिएंटल लेदर, तो आज मैं इसको ट्राई करता हूं। वेरी लाइट एंड जेंटल स्मेल, दिस इज इनफ। शानदार। अब आफ्टर शेव बाम लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आफ्टर शेव लोशन लगाना चाहिए, आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग परफेक्टली फाइन। नो ड्राइनेस, नो स्ट्रेचिंग, बट स्टिल आई एम गोइंग फॉर इट। सो आज जो है आई एम यूजिंग ग्रूम्ड फेस मॉइस्चराइजर, और बेस्ट पार्ट इज दैट इट हैज SPF 20। तो आप धूप वगैरह में अगर आप बाहर जाते हो तो इट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। इट हैज कोकोनट, कैरेट एंड वॉलनट सीड ऑयल। इट्स इट इज हाइड्रेटिंग, ब्राइटनिंग, प्रिवेंट्स एक्ने ऑल्सो। तो एक्ने का तो चांस नहीं रखता मेरे को। सो इट हैज दिस एटोमाइजर, सो दिस मच इज इनफ। और दोस्तों इसको काफी समय से मैं यूज कर रहा हूँ, पहली बार मैं इसको दिखा रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद आ रहा है ये। इवन इसका जो ग्रूम का आफ्टर शेव लोशन आता है उससे बेटर मेरे को ये फेस मॉइस्चराइजर लगा। बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। कॉस्ट इज ऑन द हायर साइड, सो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि आज के संडे की ये एक लग्जरी शेव रही। एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई हैव यूज्ड टुडे। सो लेट मी टेल यू अगेन, आज के प्रोडक्ट्स के फिर से मैं आपको रिकैप्चर कर देता हूं। सो दिस इज द सोप सेंट बार्स फ्रॉम द हाउस ऑफ एरियाना एंड इवंस। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें टैलो है, इसके अलावा स्टेरिक एसिड है, शिया बटर है, कोकम बटर है, कैस्टर ऑयल है, बियर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लैनोनिन, सॉर्बिटॉल, लीफ एक्सट्रैक्ट, अगेव अमेरिकाना लीफ एक्सट्रैक्ट, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत चीज़ें डाली गई हैं इसमें, बट जो भी है मज़ेदार चीज़ है। तो ये मेरे अब टॉप 5 सोप्स में आ चुका है, नो डाउट अबाउट इट। आई रियली एंजॉयड शेविंग विद इट। पार्कर 111W एज यूजुअल, बहुत ही सुंदर इसके हैंडल का डिज़ाइन है, हल्का सा स्लिपरी है। अगर आप इसको ले रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ये स्लिप ना हो जाए, तो आप एलम से अपनी उंगलियों को भिगो करके इसको यूज कर सकते हो। एंड इट इज लोडेड विथ वन ऑफ द बेस्ट ब्लेड्स एंड दैट इज जिलेट विल्किंसन सोर्ड, वन ऑफ माई फेवरेट्स। और उसी के साथ नीश का ओरिएंटल लेदर, बहुत लाइट, बहुत ही हल्की सी इसकी वॉर्म स्वीट स्मेल है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है इस सोप के साथ ये कॉम्प्लीमेंट अच्छे से कर रही है। एंड ऑफकोर्स एट द लास्ट आई हैव यूज्ड ग्रूम्ड फेस मॉइस्चराइजर। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, हो सके अगर आपको फुर्सत मिले तो कभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखते हैं आप हमेशा हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और उसी के साथ इसको शेयर करिए अपने शेविंग भाइयों के साथ, ठीक है। तो आज का संडे आपका बेशुमार बढ़िया जाए। आपके बेशुमार क्यों बोला मेरे को भी पता नहीं, बट बोल दिया। और अपने परिवार वालों का एज यूजुअल ख्याल रखिए, अपने नेक्स्ट वीक के गोल्स अभी से सेट करिए, उसके ऊपर पैशनेटली वर्क करिए, सुबह उठ के बढ़िया शेविंग एंजॉय करिए, सुबह नहीं करते तो सोने से पहले करिए, वॉट एवर चॉइस यूज, और बेड शेविंग से जुड़ते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे वीडियोज देखते रहिए। So that's all for today. Enjoy yourself and with your family. Take care. Bye bye. Ta-ta.